देखिए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि किसी राज्य के डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, कोर्ट ने उनको डांट लगाई और कहा कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। देखो तो वो धमकी दे रहे थे सीबीआई को, यानी जो जांच कर रहा उसी को धमकी दे रहे हैं कि कल रिटायर नहीं करोगे क्या, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या, यानी देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों को। तो इसलिए इससे ज़्यादा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द नहीं किया, लेकिन आपको जिस तरह से माफ़ी मांगनी पड़ी एक प्रकार से, तो यही बहुत बड़ा अपमान है डिप्टी सीएम का। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो कहता था कि भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने IRCTC घोटाला जो करीब 750 करोड़ के से ज़्यादा का घोटाला है, उसमें एक एक्यूज़ जो चार्जशीटेड है, जो बेल पर है, उसको अपने डिप्टी सीएम बना कर रखा है। और यही नीतीश कुमार, ललन सिंह जिन लोगों ने इस घोटाले के सारे कागजात सीबीआई को उपलब्ध कराए, उन्होंने जिस घोटाले को उजागर किया और इसी घोटाले के कारण उन्होंने पिछली बार गठबंधन तोड़ दिया और फिर उन्हीं से हाथ मिला लिया। तो इसलिए सीबीआई जो गई थी कोर्ट के अंदर, तो एक चेतावनी तो उनको मिली है कम से कम कि भविष्य में हम इस प्रकार की धमकी नहीं देंगे। बड़े पद पर लोग बैठे लोगों को और जिम्मेदार भाषा का बोलना चाहिए। तो यही बहुत बड़ी बात है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। सर, जिस तरह से बार बार तेजस्वी, वो जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या कोर्ट बुलाया जाता है, तो कहते हैं ये सिर्फ सरकार की साजिश है विपक्ष को परेशान करने के लिए, तो इसके आड़ में छुपते हैं कहीं, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, यूपीए के ज़माने में जो सीबीआई थी वो बंद पिंजड़े का तोता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तोते को पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अब सीबीआई पर कोई दबाव नहीं है। और जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, तो नीतीश जी, इन पर जो FIR दर्ज हो, तब FIR दर्ज हुई जब आप के साथ वो गठबंधन में नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे, जब उन पर चार्जशीट फाइल हुई उस समय वो आपके साथ नहीं थे, जब ट्रायल शुरू होने जा रही है तब वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। तो ये मुद्दों का जवाब नहीं देते। उनको तो ये बताना चाहिए कि आखिर सुजाता ग्रुप को 2 होटल लीज पर जो दिया गया, उसके एवज में 3 एकड़ जमीन पटना में क्यों लिखवा लिया गया। उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि 3 एकड़ जमीन पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो उन बातों का जवाब देने के बजाय एक रटा रटाया उत्तर देते हैं कि फंसा दिया गया, हम चूंकि विपक्ष में हैं, हम उनके विरोध में हैं, इसलिए हम पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो भी बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है तो मुद्दों पर भी तो जवाब दीजिए, लेकिन इनके पास मुद्दों का कोई जवाब नहीं। और देखिए, ये जो IRCTC घोटाला है, इसमें सीबीआई के पास इतने प्रमाण हैं, इतने सबूत दस्तावेज हैं जो इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया, कि आज न कल इसमें सजा होने से कोई बच नहीं सकता है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि सवाल पूछे उसका जवाब देना मेरा दायित्व तो है, मैं जवाब देने ही आया हूँ उसको, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि किस तरह से हम लोग को फंसाया गया, हमें तो पता भी नहीं था, ये सारी चीज़ें। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने नौकरी नहीं की, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आप 9th फेल हैं, तो भी आप केवल 23 साल की उम्र में इतने बड़े संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? ये जो सुजाता होटल वाली जो जमीन थी, ये डिलाइट मार्केटिंग की 3 एकड़ जमीन, उस कंपनी के डायरेक्टर कैसे हो गए आप? उस कंपनी के मालिक हो कैसे हो गए आप? उस जमीन के मालिक कैसे? उसका जवाब दीजिए ना कि इतने कम उम्र में आप इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। और अब्दुल दुजाना जो सुरसंड के विधायक थे, उन्हीं की कंपनी उसका निर्माण कर रही थी, नींव तक खोद दिया गया था। तो जब ललन सिंह और इन लोगों ने मामले को उजागर किया तब जाकर उसको रोका गया। तो इसलिए उसका जवाब देना कि 3 एकड़ जमीन के मालिक कैसे बन गए, करोड़ों की जमीन के रातों रात मालिक बन गए, इसका जवाब तो है नहीं उनके पास। तो इसलिए देखिए, उनके पास किसी भी आरोप का कोई जवाब नहीं है। लालू यादव जिन 4 मामलों में सजा याफ्ता, चारा घोटाला, उसको भी जाकर ललन सिंह ने किया, उसकी भी सीबीआई जांच के लिए लोग हाईकोर्ट तक गए और आज हाथ मिला लिया, उनके साथ खड़े हैं, उनके डिफेंस में खड़े। ये भी इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि एक आपराधिक मामले में जो लोग जिनको सजा हो गई उनके डिफेंस में खड़े, तो जिनके खिलाफ आपने सबूत दिया, जिनके खिलाफ आप पटना हाईकोर्ट गए सीबीआई जांच के लिए, तो उस समय तो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, और आज जो कह रहे हैं कि नहीं वो निर्दोष हैं।
तो इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है।